हुए हाल के दिनों में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हो रहे हमलों को देखते हुए मुंगेर रेंज के डीआईजी शफीउल हक ने बनाया नया प्लान। अब टीम यूनिट में काम करेगी मुंगेर पुलिस। जिले के विभिन्न थानों को मिलाकर 5 टीम का गठन किया गया। किसी टीम में 3 तो किसी टीम में 4 स्थानों को शामिल किया गया है, जो एक साथ मिलकर अपने क्षेत्र में छापेमारी को अंजाम देंगे। इतना ही नहीं, इसके लिए डी टीम भी तैयार की गई है, जिसमें डीआईजी एसपी एवं डीएसपी के क्यूआरटी टीम को शामिल किया गया है, जो जरूरत पड़ने पर तत्काल छापेमारी टीम को बैकअप देने के लिए घटना स्थल पर पहुंचेगी। डीआईजी हफीजुल हक ने बताया कि हाल के दिनों में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमले की खबर विभिन्न जिलों से मिल रही है। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों को इसका शिकार भी होना पड़ रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए ही मुंगेर जिले में थानों को शामिल का 5 टीम बनाया गया है, जो उन क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी करने जाएगी। मुंगेर से स्वदेशवाणी के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। शहर में अच्छी पुलिसिंग के लिए, ऐसी घटना पर रोक के लिए हमने 3-3 थाने की टीम बना दी है कि जब भी छापामारी होगी ये टीम छापामारी करेगी। जैसे कोतवाली है, कोतवाली, वासुदेवपुर, ओपी और पूरब सराय की एक टीम है। दूसरी टीम बनाई है हमने कासिम बाजार की, कासिम बाजार, सफिया सराय और संजलपुर की दूसरी टीम। तीसरी टीम है जमालपुर की, जमालपुर, फरीदपुर और ईस्ट कॉलोनी की। शहर में अच्छे नियंत्रण के लिए, क्योंकि हम जो छापामारी करने जाते हैं किसी केस से संबंधित जाते हैं, केस पब्लिक करती है, तो पब्लिक का हमें विश्वास हो इसके लिए हमने टीम बना दिया है। जब भी छापामारी होगी तो टीम करेगी और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी टीम को बुलाएगी। 9 थानों की हमने टीम बनाई है शहर। तो अब लगता है कि उम्मीद करता हूँ घटना पे रोक लगी, पुलिस पे जो अटैकिंग है। यस, अच्छे की उम्मीद करता हूँ। ओके, थैंक यू। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।